हेलो एवरीवन, राज दिस साइड। फ्रेंड्स, अगर आप रीट के अभ्यर्थी हैं, अगर आपने रिसेंटली रीट का एग्ज़ाम दिया है और अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होगा कि आज पूरे दिन ट्विटर पे SI और रीट के एग्ज़ाम दोबारा हो इस मांग को लेकर के एक हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था। बहरहाल, मैं आपके लिए बड़ी खबर ये लेकर के आया हूँ कि राजस्थान हाईकोर्ट में रीट के एग्ज़ाम को लेकर के, रीट के पेपर लीक को लेकर के एक जनहित याचिका यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दायर की गई थी भागचंद शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान की ओर से। उसको कोर्ट ने लिस्टेड कर लिया है, उसकी हियरिंग डेट भी कोर्ट ने दे दी है। तो 18 अक्टूबर से इस PIL की सुनवाई शुरू होगी, डिवीजन बेंच यानी DB में इसकी सुनवाई शुरू होगी। फ्रेंड्स, इस PIL में सबसे पहले मांग ये की गई है कि इसकी सुनवाई होने तक अंतरिम ऑर्डर कोर्ट पास करे और इस एग्ज़ाम के रिजल्ट को रोका जाए। और ये जो एग्ज़ाम है, इसके अंदर पेपर लीक हुआ है, घोटाला हुआ है, इसकी जांच जो है सेंट्रल की कोई जांच एजेंसी जो है उसके द्वारा करवाई जाए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ये जो है PIL दायर की गई है कोर्ट में। देखते हैं कोर्ट इसके ऊपर अपना क्या रिएक्शन देता है, क्या कुछ कोर्ट इसके ऊपर कहता है। और जैसे कि कोई बड़ी खबर आएगी तो मैं निश्चित तौर पे आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप ऐसी अपडेट्स पाते रहना चाहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप हमारे चैनल एडवोकेट राजा डॉट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए लाते रहेंगे इसी तरह के अपडेट वीडियोस। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। जय हिंद।